कई कहते हैं जी हमने तो बहुत बार सुना है, हमने तो 21 दिन योग भट्टी भी कर ली, हमारी तो सुनवाई नहीं होती। पता नहीं भगवान भी कह रहा हो गया क्या, सुनता ही नहीं आजकल, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न इसके समाधान लो, सुनता तो है, परंतु एक बात आज से ध्यान में रखिएगा, अब हम संगम युग के उस आधार पर पहुंच गए हैं जब हर आत्मा का मार्च महीना चालू हो गया है। क्या होता है मार्च महीने में क्लोजिंग, हर आत्मा की क्लोजिंग शुरू हो गई है। 63 जन्मों के हिसाब किताब का बैलेंस होना है, कभी पाप का प्रभाव सामने होगा तो कभी पुण्य का सामने होगा। एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब पाप का प्रभाव सामने होगा तब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है सुनवाई के लिए। अगर उसने सुन भी लिया तो शुभ की बजाय अशुभ हो जाएगा। अगर समय फेवर में नहीं है, पाप का प्रभाव है सामने, तो आप सोने को भी हाथ लगाओगे मिट्टी बनेगी, भलाई करने चलोगे बुराई मिलेगी, सब उल्टा होगा, क्योंकि समय पाप का प्रभाव लेकर आया है। ऐसे समय को विचलित होना नहीं, डाउटफुल होना नहीं, बहुत ही पेशेंस के साथ योग युक्त होकर बिताओ शांति से। वो लंबा समय नहीं चलेगा, वो थोड़े टाइम के लिए आया है। मन को चित्त को शांत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, बाबा को याद कीजिए, उचित समय जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपके घर में बच्चे को जुकाम हुआ है, उसका गला बैठा है, नाक बह रही है, बुखार हुआ है, और आप आइसक्रीम खाने की जिद करें, आप उसको हर हफ्ते आइसक्रीम खिलाते संडे के संडे, उसको बिना कहे खिलाते हो, परंतु आज वो रो रो कर चिल्ला कर आपसे आइसक्रीम मांग रहा है, जब उसको बुखार है, खांसी है, उसका नाक बह रही है, बहुत बुरी तरह तबीयत खराब है, आज आप उसको आइसक्रीम खिलाओगे? क्यों? बच्चा आपको पुकार पुकार के बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता क्या? जेब में पैसा नहीं, ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्यों सुना सुना हो रहा है आज जी? इसलिए आप सुना सुना कर रही है, है? अगर आज मैंने खिला गया तो बच्चे की तबियत, तो भगवान भी तो केवल इतना ही करता है, उसे पता है कि यदि आप इसी गली में सुन ली तो क्या हो जाएगा। इसे नहीं पता, ये नादान है, ये केवल आज को देख रहा है और मैं कल को भी देख रहा हूं, वो केवल आज को नहीं लेकिन आने वाले पल को भी देख रहा है। लेकिन एक बात आपने देखी कि आप आइसक्रीम खिलाने को कैंसिल नहीं कर रहे, केवल डिले कर रहे हो। आप बच्चे को क्या कह रहे हो? बेटा तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद एक के बदले कितनी? ऊपर वाला भी कहता बच्चे धीरज दर मनवा, धीरज दर तेरे आई, थोड़े से धीरज धर ले बस, ये सही समय को आने दे, ये पाप के प्रभाव को बीतने दे, फिर एक के बदले कितनी? तेरी दो तो मन होगी, पर तू थोड़ा सा पेशेंस रख, समय समय की बात होती है। बाबा मेरा कैंसिल नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, कुछ टाइम के लिए डिले कर रहा है बस, तो ऐसे टाइम पे मुझे डाउटफुल नहीं होना है। और मैं आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में, भगवान ने निश्चय की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। आज तक वो कहता था मुरलियों में लास्ट परीक्षा होगी निश्चय की, बहुत शॉर्ट टाइम की होगी लेकिन बड़ी टफ परीक्षा होगी, और ये परीक्षा लेनी बाबा ने शुरू कर दी। कभी भी किसी के भी विश्वास की निश्चय की परीक्षा हो सकती है। क्या इरादा है कानपुर वालों का, पास या फेल? परीक्षा बहुत थोड़े टाइम की होगी, पर परीक्षा मतलब परीक्षा, ठीक है ना?